नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स टू योर लव एंड सपोर्ट। हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम बेल स्लीव यानी अम्ब्रेला स्लीव का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं, उसी में से एक हम हटके स्टाइल आज लेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी हमारे बेसिक स्लीव पैटर्न की। यहाँ पर मैंने मेरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बेसिक स्लीव का पैटर्न लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ले ली है 11.5 इंच यानी एल्बो लेंथ तक। आप जितनी चाहे रख सकते हो ऊपर की तरफ लेंथ, और नीचे की तरफ आपको जितना घेरा लेना है उतना आप ले लीजिएगा। यहाँ तक मैंने घेरे के साथ पूरी 18 इंच पर मार्किंग किया है। आप यहाँ पर फुल लेंथ तक ये स्लीव बना सकते हो चाहे जितनी। यहाँ पर जो मेरा घेरा आएगा वो एल्बो लेंथ के नीचे आएगा, तो यहाँ पर मेरा एल्बो का जितना राउंड है 5 इंच उतना ही मुझे यहाँ पर नीचे मार्किंग कर देना है। अब मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। उसके बाहर मैंने सिलाई मार्जिन का भी मार्किंग किया। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर हम 3.5 इंच रखेंगे। आप अगर थोड़ा ऊपर लेना चाहते हो, 4 इंच तक लेना चाहते हो ये मार्किंग, तो ले सकते हो। और फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके नीचे का जो पार्ट है ये पूरा हमारा फुल घेरा का आएगा। तो आप समझ गए होंगे ऊपर का जो पार्ट होगा वो हमारे फिटिंग में रहेगा स्लीव का पार्ट। तो आपका ऊपर का जो पार्ट है लंबाई में आप चाहे जितना कम ज़्यादा रख सकते हो, या फिर घेरे का भी नीचे का आप चाहे जितना लेंथ में कम ज़्यादा रख सकते हो। तो ये पूरा हो गया हमारा। अब जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है इसे हम कट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा घेरा आएगा नीचे का वो इस तरह से क्रॉस में आएगा, तो ये बहुत सुंदर लगता है डिज़ाइन। अब ये जो ऊपर का पार्ट है उसे मैंने 1 नंबर दे दिया और नीचे के पार्ट को मैंने 2 नंबर दे दिया। इस तरह से हम नंबर देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट के अकॉर्डिंग आर्म होल हम कट कर देंगे। अब इस पार्ट को हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कपड़ा लिया है इस तरह से मैंने फोल्ड करके लिया हुआ है। अब इसे मैं और एक बार फोल्ड करूंगी तो ये मेरा 4 लेयर्स यहाँ पर बन जाते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में ये 4 लेयर्स बन चुके हैं। इसके ऊपर में हमारा 1 नंबर का पार्ट रखूंगी, ऊपर वाला पार्ट। 2 नंबर का पार्ट हम बाद में कट करेंगे। इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया, फोल्डेड साइड पे फोल्डेड साइड रखते हुए हम इसको रख देंगे। अब इस स्लीव में हम पिंटक्स बनाने वाले हैं, तो पिंटक्स बनाने के लिए हम आगे की ओर 1 इंच लेंगे, नीचे की ओर भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसी तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे और इसको हमने कट कर दिया। अब फिर एक बार रिपीट करते हैं। 1-1 इंच बाहर की साइड में लिया और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए नीचे की ओर लिया। ऊपर का पार्ट हमें कट नहीं करना है आर्म होल का, वो हम बाद में करेंगे। अब हम लेंगे हमारा 2 नंबर का पार्ट यानी नीचे का पार्ट। इसका कटिंग कपड़े के ऊपर करना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। सबसे पहले ये जो पार्ट है स्लीव का इसको हम सेंटर में से कट कर देंगे नीचे का। ये नीचे का पार्ट है हमारा 2 नंबर का और इसके दोनों साइड सेम है, इसीलिए हम इसका एक ही पार्ट यूज करेंगे। तो 1/2 साइड हम कट कर देंगे। अब जो 1/2 साइड बचती है यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। 1-1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए आप यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा इस तरह से। चाहे आपकी 2 बन जाए, 3 बन जाए या 4 लाइन बन जाए, जितनी लाइन बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हमें कट कर देना है। अब ये पूरी तरह से कट नहीं करेंगे, ऊपर की ओर ये थोड़ा ज्वाइंट रहना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। इस स्लीव को यानी कि बेल स्लीव्स को अम्ब्रेला स्लीव्स भी कहते हैं। अब ये पूरा कट हो चुका, कपड़े के ऊपर हम कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स का कपड़ा लिया हुआ है इस तरह से। इसकी विड्थ है लगभग 17 इंच
ये स्क्वायर कपड़ा है, तो इसकी विड्थ और लंबाई दोनों 17 इंच मैंने ले ली है, यानी 17 इंच, और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है क्योंकि हमें यहाँ पर दो स्लीव्स निकालने हैं। अब हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद जहाँ पर फोल्डेड साइड आती है, ये देखो फोल्डेड साइड मैंने आगे की तरफ कर दी और खुली साइड मैंने अपनी तरफ रख दी है। अब जो ये फोल्डेड साइड है उसके ऊपर हमने जो हाफ कट किया था सेंटर लाइन से, वो साइड हम रख देंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। ये साइड हम बराबर से फोल्डेड साइड पे रखेंगे और ऊपर की तरफ आप लाइन को एडजस्ट कर दीजिएगा, जहाँ तक ये एडजस्ट होती है वहाँ तक आप इसको रख दीजिएगा इस पैटर्न को। और नीचे के जो कट किए हुए पीसेस है उसको इस तरह से स्प्रेड करना है, जितना कपड़ा आपको मिलता है नीचे की तरफ उतना आप पूरा यहाँ पर स्प्रेड कर दीजिएगा जिस तरह से वीडियो में दिखाया है, और यहाँ पर मार्किंग कर दीजिएगा। अब नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों तरफ हम इसका मार्किंग कर देंगे। ये अम्ब्रेला पैटर्न की तरह ही होती है स्लीव, इस तरह से हमने ये मार्किंग किया। अब ऊपर की तरफ भी हम मार्किंग कर देंगे। अब इस पैटर्न को हम निकाल देंगे और नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे 1/2 इंच। आप इस स्लीव की लंबाई चाहे जितनी रख सकते हो, या फिर आप नीचे का घेरा जो है वो चाहे जितना लंबा कम ज़्यादा रख सकते हो, या फिर ऊपर आप जितनी स्लीव बनाना चाहते हो इस घेरे के ऊपर का पार्ट वो भी आप कम ज़्यादा रख सकते हो अपने अपने चॉइस अनुसार। यहाँ पर हमने नीचे 1/2 इंच और ऊपर की ओर 1/2 इंच इस तरह सिलाई मार्जिन लिया है। अगर आप नीचे की ओर स्लीव के नीचे की ओर डबल फोल्ड कर रहे हो तो आप 1 इंच मार्जिन छोड़ दीजिएगा। अब यह हमारा 2 नंबर और 1 नंबर का पार्ट यहाँ पर कट हो चुका है। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ ये किस तरह से हमारा जॉइंट होगा, तो आपको यहाँ पर आइडिया मिल चुका होगा कि ये हमारी स्लीव किस तरह से रेडी होगी। तो यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट यानी 1 नंबर का पार्ट लेंगे। अब देखो ये फोल्डेड साइड है, तो फोल्डेड साइड पर सबसे पहले इस तरह से मार्किंग बना कर लेना है सीधी लाइन। हम यहाँ पर पिंटक्स बनाने वाले हैं ऊपर की साइड में, ये मैंने सेंटर में लाइन खींच दी। अब 1 से 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए साइड में भी हम लाइन बनाएंगे। ये सेंटर लाइन हो गई। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ा है और यहाँ पर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी इस तरह से, जो कि लाइन हमारी नीचे की पॉइंट को मिल जाएंगे। सेम डिस्टेंस दूसरी साइड में भी रखेंगे और ये लाइन भी हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनाएगा। सेम इसी तरह से दूसरे स्लीव के पैटर्न में भी हमें ये डिज़ाइन बना देना है। अब इस तरह से दूसरा स्लीव मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और इसे थोड़ा सा प्रेस करने से ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा बन जाएगा निशान। ये फीका बना है, थोड़ा सा फेंट बना है, तो इसे हम डार्क कर देते हैं, या फिर आप मेजरमेंट लेके भी ये लाइंस बना दीजिएगा। अब ये हो जाने के बाद इसके ऊपर हम पिंटक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक स्लीव रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने पिंटक्स के लिए एक स्लीव का पैटर्न लिया हुआ है। अब ये जो लाइन हमने बनाए हैं, तो सबसे पहले हम सेंटर में पिंटक्स लेंगे। इसको इस तरह से बराबर से बीच में फोल्ड करना है और यहाँ पर एकदम किनारे से हमें स्टिच लगानी होती है। एकदम किनारे से हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर धागा जो है वो मैंने दूसरे कलर का यूज़ किया है ताकि हमारे पिंटक्स जो है वो थोड़े हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का धागा यूज़ किया है। आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से दूसरा कलर का धागा ले लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। सेम इसी तरह से साइड के पिंटक्स भी हम रेडी कर देंगे। इसको इस तरह से पकड़ना है, फोल्ड करना है और यहाँ किनारे से होके हम स्टिच लगाएंगे। ये
दो पिन टग्स हमारे रेडी हो चुके हैं। सेम इसी तरह से साइड का भी यानी तीसरा वाला पिन टग्स भी हम ले लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे स्लीव का पैटर्न भी रेडी करेंगे ऊपर का। पिन टक्स लेते समय कपड़े को जरा भी खींचना नहीं है, नहीं तो ये पिन टक्स लूज पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन यहाँ पर बन चुका है। सेम इसी तरह से दूसरे स्लीव का पैटर्न भी हमने रेडी करके रखा है। अब इसमें से एक स्लीव हम ले लेंगे और इसका जो ऊपर का साइड है हमने कट नहीं किया है, आर्म होल का साइड, तो इसे हम कट कर देंगे। तो इसके लिए इसे को सेंटर में फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हमारा बेसिक स्लीव का पैटर्न रखेंगे और यहाँ पर हम ऊपर का शेप दे देंगे स्लीव का। ये शेप हम इसीलिए नहीं देते क्योंकि पिनटक्स किसी के कम किसी के ज़्यादा विड्थ के हो जाते हैं, तो यहाँ पर शेप में डिफरेंस ना आए इसीलिए हम ये शेप बाद में कट करेंगे पिनटक्स लेने के बाद। और यहाँ पर साइड में जो हमने एक एक इंच एक्स्ट्रा लिया था तो उसका भी यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा बचा हुआ है, तो वो हम कपड़ा निकाल देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे स्लीव के ऊपर इस तरह से। इसी प्रकार हम दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे स्लीव का पैटर्न भी कट कर दिया इस प्रकार। अब ये दोनों स्लीव हमारे रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अब इस ऊपर वाले हिस्से को नहीं नहीं एक नंबर पार्ट को हम नीचे का दो नंबर पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे दो नंबर के पार्ट है, तो यहाँ पर ये हमने फोल्डेड साइड पे कट किए तो यहाँ पर फोल्ड को कट करके स्लीव के दोनों नीचे के दो पार्ट अलग अलग करेंगे। अब ये हम नीचे की तरफ ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करते समय हम सेंटर से होके ज्वाइंट करेंगे क्योंकि सेंटर में हमारा इस तरह से तिरछा भाग आता है, तो इसीलिए हम सेंटर से होके ज्वाइंट करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर पिनअप कर दिया है। अब जो ये नीचे का पार्ट है थोड़ा सा हम स्ट्रेच करके लगाएंगे, एकदम स्लाइटली खींचेंगे। नीचे का जो घेरे का पार्ट है वो ऊपर के पार्ट को ज्वाइंट करते समय स्लाइटली खींचेंगे। यहाँ पर मैंने पूरी तरह से पिनअप कर दिया है। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाते हैं। तो स्टिच लगाते समय हम सेंटर से जाएंगे, यहाँ पर हमारा सेंटर है, सेंटर से हम स्टिच लगाते जाएंगे साइड में। आप पिनअप नहीं भी करते तो भी चल जाएगा। अब यहाँ दूसरी साइड भी हम सेंटर से होके लेके जाएंगे। तो नीचे का घेरे का पार्ट पूरा ज्वाइंट हो चुका है। यहाँ सेंटर में इस तरह से नॉच लगा देंगे, नॉच लगाना मत भूलिएगा। नॉच लगाने के बाद इसको सीधी साइड में हम करेंगे तो ये इस तरह से हमारा डिजाइन यहाँ पर रेडी हो जाएगा स्लीव का। अब नीचे की तरफ अगर आपने एक इंच मार्जिन छोड़ा है तो आप इस तरह से डबल फोल्ड कीजिएगा। यहाँ पर मैं नीचे बायस स्ट्रिप की पट्टी लगाने वाली हूँ, बॉर्डर का यूज उसका हम करेंगे, बायस स्ट्रिप की पट्टी का बॉर्डर की तरह यूज करेंगे। तो ये बायस स्ट्रिप की पट्टी मैंने 2 से 2.5 इंच तक आप कट कर दीजिएगा, आपको जितनी ब्रॉडनेस चाहिए उतनी। और इसे इस तरह से नीचे की ओर लगाएंगे, ऊपर की हमारी सीधी साइड है, हमने इस पट्टी को उल्टी साइड में नीचे की तरफ रखा है। और इसको 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए ज्वाइंट करते जाएंगे। हमारी जो बायस स्ट्रिप की पट्टी है लगाते समय एकदम स्लाइटली खींचना है, एकदम स्लाइटली खींचना है ताकि ऊपर जब हम इसको फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड में तो ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। ये पट्टी पूरी स्टिच हो जाने के बाद यहाँ पर हम स्लिट लगाएंगे। स्लिट लगाने के बाद इसको ऊपर की साइड में हम फोल्ड करेंगे। अब ये स्लिट लगाने के बाद पट्टी हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। तो इस पट्टी को इस तरह से क्वार्टर इंच मोड़कर आयन कर लीजिएगा
और उसके बाद हम फोल्ड करेंगे। अगर नहीं भी आयरन करते तो आप इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको क्वार्टर इंच अंदर की तरफ डालते हुए स्टिच लगा सकते हो। तो ये सेंटर है, इस पट्टी को भी हम सेंटर से होके ही जाएंगे, क्योंकि सेंटर से होके हम जाते हैं इस पट्टी को स्टिच करते हुए तो यहाँ पर चुन्नट नहीं आती और ये पूरे फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है। तो इस पट्टी को हम सेंटर से होके साइड तक जाएंगे और फिर ये एक साइड हो जाने के बाद दूसरी साइड हम स्टिच करेंगे। इससे ये बॉर्डर बहुत फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है। इस यही तरीका आप अपने अम्ब्रेला टॉप में यूज़ कर सकते हो, या आपका कोई भी अम्ब्रेला ड्रेस हो, पैटर्न हो, उसमें अगर बॉर्डर लगानी है तो यही तरीका आप यूज़ कीजिएगा। इस तरह से ये हाफ साइड की स्टिच हो जाने के बाद हम दूसरे हाफ से होके जाएंगे, सेंटर से दूसरी साइड के सेंटर से होके साइड तक स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये पूरी बॉर्डर हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। ऊपर की साइड में क्वार्टर इंच अंदर की तरफ डालते हुए जाएंगे, या तो आप फिर आप पहले से ही आयरन करके इसको स्टिच कर सकते हो, या फिर स्टिच लगाते लगाते इसको फोल्ड कीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारी हो चुकी और ये हमारी पूरी स्लीव रेडी हो चुकी है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी रेडी करके रखी है। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से शो बटन्स लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह हमारे टॉप पर अटैच होगी। मैंने यहाँ पर अटैच करके फिटिंग कर दी है। ये जो यहाँ पर ज्वाइंट होता है, तो फिटिंग करते समय ये ज्वाइंट हमारा इस तरह से नीचे की ओर रहना चाहिए। बाकी ये स्लीव पूरी तरह से हमारे नॉर्मल स्लीव की तरह ही अटैच हो जाती है ऊपर की तरफ। ये दोनों स्लीव मैंने यहाँ पर अटैच करके लिए हैं। ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट्स है तो मुझे